नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ मैकेनिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीएल फोरमैन, असिस्टेंट फोरमैन या एनसीएल सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये मॉडल क्वेश्चन है एंड मैं काफ़ी चुन के और छाँट के भी क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि मैंने कल भी वीडियो नहीं डाला था और एक वीडियो डाला भी था तो उसमें ज़्यादा व्यूज भी नहीं आए थे। तो आई थिंक पता नहीं क्या इशू है, बट कोई इशू नहीं। अभी ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। एंड उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें पहले क्वेश्चन की तो देखिए कह रहा है थर्मोडायनेमिक चक्र जिसमें नेट हीट को सिस्टम में स्थानांतरित किया जाता है और सिस्टम से एक शुद्ध कार्य को स्थानांतरित किया जाता है, इसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है प्रशीतन चक्र, गर्मी इंजन चक्र, दोनों ए अभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा आपका गर्म इंजन चक्र, यानी ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा इंजन चक्र नहीं है। आपके ऑप्शन है फ्रिज, स्टीम पावर प्लांट, गैस का द्रव्यमान एंड सिलेंडर, पिस्टन मशीन में सीमित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट कह रहा है कि एक तापीय ऊर्जा भंडार यानी कि TER है। आपके ऑप्शन है एक परिमित माप ताप क्षमता, एक अनंत ताप क्षमता, एक परिमित द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो एक अनंत ताप क्षमता आपका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहा है कि दो प्रतिवर्ती एडियाबायोटिक पथ, आपके ऑप्शन है एक दूसरे के साथ अंतरंग है कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, काटना या कटना नहीं हो सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रणाली की कौन सी संपत्ति प्रतिवर्ती एडियाबेटिक प्रक्रिया में स्थिर है। आपके ऑप्शन है दबाव, आयतन, तापमान या एंट्रोपी। तो एंट्रोपी सही उत्तर हो जाएगा आपका। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कह रहे हैं ऐसा इकाई में बल की इकाई क्या है। तो आपके ऑप्शन है किलोग्राम, न्यूटन, वॉट, डायोड या फिर जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट कह रहा है कि एसआई कार्य में कार्य या ऊर्जा की इकाई है। आपका ऑप्शन है न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम, मीटर, वॉट, जूल। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, जूल। नेक्स्ट कह रहा है कि एसआई इकाई में शक्ति की इकाई है। आपका ऑप्शन है न्यूटन मीटर, वॉट, जूल, किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड पास्कल। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वॉट। नेक्स्ट कह रहा है कि बलों को समवर्ती कहा जाता है जब उनके कार्रवाई की लाइनें में मिलते हैं। आपके ऑप्शन है एक बिंदु, दो अंक, विमान, लंबवत विमान, विभिन्न विमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक बिंदु। नेक्स्ट कह रहा है कि बल को कोप्लानर कहा जाता है जब वे सभी शरीर पर अभिनय करते हैं। आपके ऑप्शन है एक बिंदु, एक विमान, विभिन्न विमान, लंबवत विमान, विभिन्न बिंदु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक विमान यानी वन प्लान। नेक्स्ट कह रहा है कि चार के मामले में काम करने का चक्र क्रैक सॉफ्ट के क्रांतियों की संख्या के बाद स्ट्रोक इंजन पूरा हो जाता है। आपके ऑप्शन है 1/2, 1, 2, 4 या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट कह रहा है एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होता है। आपके ऑप्शन है एक चिंगारी, ईंधन का इंजेक्शन, हवा के संपीड़न होने के कारण होने वाली गर्मी, दहन के लिए आपूर्ति की जाती है, या फिर इग्निस या फिर दहन कक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हवा के संपीड़न के कारण होने वाली गर्मी दहन के लिए आपूर्ति की जाती है, यानी कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर द कंबस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑटो की वायु मानक दक्षता दिए गए संपीड़न अनुपात के लिए डीजल चक्र की तुलना में चक्र है। आपके ऑप्शन है वही आशीर्वाद देना, अधिक बिजली रोस्टिंग के आधार पर कम या ज़्यादा, या फिर अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक।
जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, तो हिंदी के हो सकता है कुछ वर्ड इधर उधर या फिर कुछ वर्ड अजीब हो सकते हैं, नहीं समझ में आए तो आप इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसलिए मैं दोनों लेके आता हूँ, हिंदी और इंग्लिश की, दोनों लोगों को ही सुनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैसीय ईंधन का कैलोरी मान है के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है KCL कैलोरी प्रति किलोग्राम, KCAL प्रति मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी प्रति एन। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या स्क्वेजिंग एयर की आपूर्ति ए वायुमंडल से अधिक घनत्व का मतलब इंजन सुपर चार्ज है। आपके ऑप्शन है हाँ, नहीं, कुछ हद तक, या फिर अप्रत्याशित, या फिर अन्य कारकों पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नहीं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आप क्वेश्चन समझ में आया हो, नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।